Good morning everyone, welcome to the maths class. In today's maths lecture we are going to start exercise 2.7 in which we will do addition with regrouping. Matlab carry over method se hum addition karenge. So let's try one question. Have a look on this question. इस क्वेश्चन में हमारे पास दो नंबर्स हैं. हम कैसे एडिशन करते हैं? पहले वंस प्लेस, फिर टेंस प्लेस, फिर हंड्रेड्स एंड फिर थाउजेंड्स. सो लेट्स ऐड डिजिट्स ऑन वंस प्लेस. 3 + 7, 3 + 7 कितना होता है? 10. इसका मतलब 10 आया हमारे पास ऐड करके. जब भी हमारे पास टू डिजिट नंबर आता है ऐड करके तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पीछे वाला जो नंबर होता है वो हम इस ग्रुप में लिखते हैं और जो आगे वाला डिजिट होता है वो नेक्स्ट ग्रुप में कैरी हो जाता है. सो 10 का सिर्फ पीछे वाला जो ज़ीरो है वो यहाँ आएगा और जो 1 है वो नेक्स्ट ग्रुप में क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा. अभी हम टेंस प्लेस वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे. सो 1 + 7 8, 8 + 5 13. 13 का भी सिर्फ जो पीछे वाला 3 है वो यहाँ आएगा, जो आगे वाला 1 है वो नेक्स्ट ग्रुप में क्या हो जाएगा, कैरी. सो 13 का यहाँ क्या आया, 3, एंड जो 1 है वो नेक्स्ट ग्रुप में क्या हो गया, कैरी. अभी 100 प्लेस वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे. 1 + 9 10, 10 + 4 14. 14 का भी सिर्फ पीछे वाला 4 यहाँ आएगा, जो आगे वाला 1 है वो नेक्स्ट ग्रुप में चला जाएगा. सो 14 का 4 यहाँ आया और जो 1 था वो नेक्स्ट ग्रुप में कैरी हो गया है. अभी 1000 प्लेस वाले डिजिट्स को हम ऐड करेंगे. 1 + 7 8, 8 + 1 इज 9. So this is how you have to do these addition question. Let's try one more question. Now let's have a look on this question. यहाँ भी हमें ऐसे ही addition करना है using carry over method. So पहले ones place वाले digits को add करते हैं. 8 + 8 8 + 8 कितना होता है, 16. लेकिन 16 का सिर्फ जो 6 है वो इस group में आएगा, 1 है जो वो next group में क्या हो जाएगा, carry. अभी टेंस प्लेस वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे. 1 + 5 6, 6 + 8 इज 14. तो 14 का यहाँ क्या आया, 4. 14 का भी सिर्फ पीछे वाला 4 है जो वो यहाँ आएगा, जो 1 है वो नेक्स्ट ग्रुप में क्या हो जाएगा, कैरी. अभी 100 प्लेस वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे हम. 1 + 3 4, 4 + 9 इज 13. 13 का भी सिर्फ पीछे वाला 3 यहाँ आएगा, जो आगे वाला 1 है वो नेक्स्ट ग्रुप में कैरी हो गया है. अभी 1000 प्लेस वाले डिजिट्स को हम ऐड करेंगे. सो 1 + 5 इज 6, 6 + 1 इज 7. तो ऐसे हम रीग्रुपिंग से क्या करते हैं, एडिशन करते हैं. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.7. आपको ऐसे करनी है. सो प्लीज़ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. अलॉन्ग विद दिस हम 2.8 एक्सरसाइज का सिर्फ फर्स्ट पार्ट करेंगे जो क्या है, सिमिलर है. सो लेट्स ट्राई दैट. नाउ एक्सरसाइज 2.8 में जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ भी आपको क्या करना है, ऐसे ही एडिशन करना है रीग्रुपिंग करके. जैसे हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं. सो पहले वंस प्लेस वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे. 7 + 6 7 + 6 कितना होता है, 13, एंड 13 + 1 इज 14. 14 आया, तो 14 का 4 क्या आएगा इस ग्रुप में और 1 क्या चला जाएगा, नेक्स्ट ग्रुप में. अभी टेंस प्लेस वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे. 1 + 1 2, 2 + 3 इज 5, 5 + 9 इज 14. तो 14 का यहाँ क्या आएगा, सिर्फ पीछे वाला 4 जो 1 है वो नेक्स्ट ग्रुप में कैरी हो गया. नाउ वी ऐड द डिजिट्स ऑन हंड्रेड्स प्लेस. 1 + 5 6, 6 + 8 14, 14 + 2 16. तो 16 का भी सिर्फ पीछे वाला 6 यहाँ आएगा, जो 1 है नेक्स्ट ग्रुप में कैरी हो गया. नाउ वी ऐड द डिजिट्स ऑन थाउजेंड्स प्लेस. सो 1 + 6 7, 7 + 1 इज 8. अभी इन तीनों को ऐड करके हमारे पास 8 आया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8. ये बॉक्स खाली है, इसका मतलब यहाँ कोई डिजिट नहीं है. सो हमने सिर्फ इन तीनों डिजिट्स को ऐड किया एंड वी गेट द आंसर 8644.
सो अलॉन्ग विद एक्सरसाइज 2.7 आपको एक्सरसाइज 2.8 का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करना है. सो प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क रेगुलरली इन नीट हैंड राइटिंग. थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे.